असम डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर टू की जो है वो डिस्कशन करेंगे ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बायोपोर्शन को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ठीक है इसमें अब हमारे पास एमसी क्यू नंबर वन है कहता है कि वर्ल्ड इज द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिशन एबजॉर्शन अकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारे पास मोस्टली जो न्यूट्रिशंस है वो स्मॉल इंटस्टाइन में एबजॉर्ब हो रही होती हैं ठीक है ऑप्शन सी एस को सेकेंड में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेशन तो बाइल जो है वो लिवर से जो है वो सेंथिसाइज हो रहा होता है ठीक है इसकी लिवर करता है उसके बाद ये गाल ब्लेडर में जाकर जो है वो स्टोर हो जाता है ठीक है लिवर इसकी सेथिस करता है और ये स्टोर कहाँ पर होता है गाल ब्लेडर में ठीक है तो अब इसका फंक्शन क्या है फंक्शन इसका ये है कि ये फैट्स की इमल्सिफ़िकेशन में हेल्प करता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ रैक्ट अब इमल्सिफ़िकेशन होता क्या है तो इमल्सिफ़िकेशन हमारे पास जो है वो जब भी आ, दो इमिसिबल चीज़ें जब आपस में डिजोल्व होती हैं तो उस प्रोसेस को जो है वो इमल्सिफिकेशन कहते हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास बाइल जो है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाता है ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट टाइम सिक्वी नंबर थ्री में कहता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन दैट मूव फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो पेरिस्टाइलिस कहते हैं ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट फोर्थ में कहते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एच सी एल इन द स्टोमक तो एच सी एल हमारे पास क्या करता है ये प्रोटीन्स की जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट फिफ्थ में कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड मिक्सचर ठीक है सेमी सॉलिड मिक्सचर की बात कर रहे हैं ऑफ द फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेज फॉर दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टमक ठीक है स्टोमक की बात कर रहे हैं स्टोमक में हमारे पास ये जो फूड का मिक्सचर होता है तो इसको हम लोग जो है वो काइम कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट और जब माउथ में होता है तो उसे हम लोग बोलस कहते हैं थीके? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि काइल किसको कहते हैं ठीक है सी एच वाई एल ई नेक्स्ट एम सीक्ट नंबर सिक्स में ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारे पास ड्यूडिनम ज्यूजिनम और एलियम जो है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं लेकिन हमारे पास जो कोलान है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट सेवंथ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ठीक है नॉट द कम्पोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज तो हमारे पास गेस्ट्रिक जूसेज में जो है वो पेप्सिनोजन होता है ठीक है एच सी एल बी होता है हमारे पास उसमें म्यूकस बी होता है ठीक है लेकिन बाइल जो है वो इट इज़ नॉट द कम्पोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज सो ऑप्शन सी इज कोरेक्ट नेक्स्ट टाइम सीपी नंबर एट में कहता है कि वट इज द रोल ऑफ विलाय एंड माइक्रोविलाई इन स्मॉल इंडस्टाइन अब विलाय एंड माइक्रोविलाई जो है वो क्या करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो सर्फेस एरिया को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ठीक है फॉर द एब्जॉपन ऑफ फूड ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अब यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन डी जो है वो नहीं है ठीक है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट एम सी नंबर नाइन में कहता है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉसिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स की उसके लिए ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सा एंजाइम यार आप लोग इसको पहले सुन लो तुम्हारे पास एमाइलेज माइलेज जो है वो आ, करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो इसको में कट नहीं कर रहा आप लोग इसी तरह से सुनो कहते हैं विच इजाइम इज रिस्पॉसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए या ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास इन जो है वो हेल्प करता है ठीक है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट टेंथ में कहते हैं कि टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टूगेदर ऑन डाइनिंग टेबल कहते हैं कि वन ऑफ टाइम सडनली स्टार्ट कॉफिंग ठीक है वाइल स्वेलिंग द फूड कहते हैं कि खाना खाते वक्त स्वेल करते वक्त उसको जो है वो कफिंग स्टार्ट हो गई है एक दोस्त को ठीक है कहते हैं कि द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ तो बेसिकली जब एपिग्लॉटस की जो है वो इमप्रॉपर मूवमेंट होती है तो कफिंग जो है वो होती है ठीक है फूड को स्वेल करते वक्त तो इसलिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है ठीक है ग्लॉटिस हमारे पास नंबर इसमें कहता है कि हमारे पास इफ़ फॉर द सम रीजन और गुपलेट सेल्स आर नॉट फंक्शनल ठीक है नॉन फंक्शनल कहता है कि कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे गुपलेट सेल्स जो है वो फंक्शनल uh, नहीं है उन्होंने काम करना छोड़ दिया है तो हमारे पास कहता है कि क्या चीज़ जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी ठीक है तो गुपलेट सेल्स हमारे पास बेसिकली ये स्मूथ मूवमेंट करवाते हैं ठीक है फूड की डाउन द इंटेस्टाइन तो वो जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट रेक्ट नेक्स्ट हमारे पास सिक्यू नंबर ट्वेल्थ में कहते हैं द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इन द ह्यूमंस इज कैरीड आउट बाय तो रैनन जो है वो मिल्क की डाइजेशन करवाता है ठीक है इनिशियल स्टेजेस में ऑप्शन सी इज करेक्ट रेक्ट में कहते हैं कि बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन एंड स्टोर्ड इन गॉल गाल्ब्रेडर ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि बाइल जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है ठीक है और ये गॉल गाल्ब्रेडर में जाकर जो है वो स्टोर हो जाता है ठीक है अंटिल द नीड ऑफ डाइजेशन सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट फोर्टीन में कहते हैं कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल फ्राम गाल ब्लेटर देखो लिवर ने जो है वो बाइल बना दिया उसके बाद वो गालब्लेटर में जाकर स्टोर हो गया अब गालब्लेटर में स्टोर है जब इसकी ज़रूरत होगी तो हमारे पास कौन सा एंजाइम जो है वो उसको रिलीज करवाएगा कि हमारी बॉडी इसको यूज़ कर ले तो उसके लिए जो है वो कोलियोसाइटोकिन जो है वो इन्वाल्व होते हैं ठीक है इसकी रिलीजिंग में ठीक है ऑप्शन ए इज़ को नेक्स्ट फिफ्टीन में कहता है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व होते हैं ऑप्शन बी करेक्ट सिक्सटीन में कहता है कि वाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो स्माल अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ठीक है सो so जब भी इनकी हमारे पास जो है वो डाइजेशन uh, होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अमाइनो एसड्स ऑप्शन ए इज सेवेंटीन में कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्माल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एबजॉर्बशन तो हमारे पास देखो हम लोगों ने बात की थी कि ज़्यादातर हमारे पास जो न्यूट्रशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एबजॉर्ब होती हैं लेकिन अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तो आगे से तीन पार्ट्स हैं तो आप लोगों को फर्दर भी जो है वो ये चीज़ पता हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये मोस्टली जो है वो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्बन करवा रहा होता है तो जो है ज्यूजिनम जो है वो मोस्टली जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट एटीन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिवेट ट्रेप्सिनोजिन तो ट्रेप्सिनोजिन को जो है हमारे पास वो इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट करवाता है ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नाइनटीन में कहता है कि वट आर पेप्टोन्स तो पेप्टोन्स हमारे पास जो है वो ये पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट ट्वेंटी में कहते हैं कि वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ द बायो मालिक्यूल्स बायो मैक्रो मालिक्यूल्स ठीक है बायो माइक्रो मालिक्यूल्स टेक प्लेस तो हमारे पास ये जो माइक्रो मालिक्यूल्स है ठीक है लिप ये प्रोटीन्स की बात कर करें कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो ड्यूडिनम में जो है वो उनकी डाउन होती है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी वन में कहते हैं कि विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीसिस इन टू द इलियम तो हमारे पास जो इलियो uh, सीकल वाल्व जो है ना ये फीस को जो है वो दोबारा से इलियम में नहीं जाने देता ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी टू में कहता है कि टिल डेफिकेशन। डेफिकेशन तो हमारे पास डेफिकेशन से पहले जो है वो फीसेस जो है वो रेक्टम में स्टोर होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ट्वेंटी थ्री में कहता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्टिव इन्जाम इन देंक्रियाज देखो पेंक्रियाज हमारे पास कुछ इनएक्टिव इंजाम्स पड़े होते हैं ठीक है कुछ इंजाम अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं और कुछ एक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं तो आपको पता हो कि हमारे पास कौन कौन से इंजाम वहाँ पर जो है वो एक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं और कौन कौन से इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं और जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं तो उनका भी आ, आपको आपको आगे से पता हो कि उनको एक्टिवेट कौन सा एंजाइम करवाता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सी पॉइंट्स है अब यहाँ पे उसने जो है वो एक्टिव एंजाइम का पूछा है तो हमारे पास जो है ना ट्रिप्सिनोजिन ठीक है प्रोकर्बोक्सीपेपटाटिस और हमारे पास जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है ना ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस है ना तो ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट ये नीचे कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स मैंशनड है तो आप लोगों ने इनको लाजमी देख लेना है ठीक हमार है हमारे पास यहाँ पर ट्रप्सिनोजिन है ठीक है कर्बोक्सीपेपटाटेस है ठीक है दूसरा मार, तीसरा हमारे पास जो है वो कामोट्रिप्सिनोजिन uh, है ठीक है द अदर पेंक्रियाटिक इंजाम इंक्लूड एम आई लेस लाइपेज एंड न्यूक्लियस ठीक है तो आपको जो है वो इन दो तीन चीज़ों का पता हो कि हमारे पास कौन कौन से इंजाम जो है वो एक्टिव होते हैं कौन कौन से इनएक्टिव होते हैं और जो इनएक्टिव होते हैं तो उनको एक्टिवेट कौन सा इंजैम करता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट एम सी क्यू पॉइंट्स है नेक्स्ट ट्वेंटी फोर्थ में कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलोम तो सीलोम जो है बेसिकली ये स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव में कहता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आफ... प्लेटी हेलमथीस कंसिस्ट ऑफ तो प्लेटी हेलमथीस जो होते हैं ना इन में हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं ऑप्शन बी एजको रैक्ट ट्वेंटी सिक्स में कहते हैं कि फंड आर इंक्लूडेड इन तो फंड जो है ये पेट्रोपसीडा में आते हैं ठीक है उसके एग्जाम्पल्स हैं ऑप्शन डी एज को ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन्थ में कहते हैं कि विच वन द फॉइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑफ लिविंग बर का पूछ रहा है से का तो हमारे पास जो साइलोटम है ना ये लिविंग मेंबर है साइलोस का ठीक है साइलोब का ऑप्शन सी ए करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी एट में कहते हैं कि अकॉर्डिंग तो टू टू किंगडम सिस्टम देखो अभी तो हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम है ना लेकिन पहले हमारे पास कौन सा था टू किंगडम सिस्टम थे ठीक है तो उस वक्त कहते हैं कि हमारे पास फंजाई वर प्लेस्ड इन विच किस किंगडम सिस्टम तो उस वक्त चाहे वो फंजाई को जो है वो इन लोगों ने जो है वो किंगडम प्लांटी में जो है वो रखा हुआ था ठीक है ऑप्शन

ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्टी टू में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश पोटैटो फेमिनन तो आयरिश पोटैटो फेमिनन जो है वो एक कंडीशन है ठीक है फ्रूट्स में आ, तो ये हमारे पास जो है वो फाइटोफोथेरा इन्फेस्टेंट जो है वो काज कर रहे होते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट नेक्स्ट थर्टी थ्री में कहता है कि बेस्ड ऑन द मालिक्यूलर बी क्लोजली रिलेटेड टू हमारे पास जो है ना ये क्लोजली रिलेटेड होती हैं जूफ्लेजिलेट्स के साथ ठीक है ऑप्शन बी एसोरेक्ट थर्टी फोर में कहते हैं इनवर्टिपेट सेकेंड लार्जेस्ट का पूछ रहा है तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मोलुस्का है ठीक है ऑप्शन सी एस करेक्ट और सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है ना ठीक है इनवर्टिप का वो आर्थ्रोपोडा है ठीक है आर्थरोपोडा नेक्स्ट हम सीख नंबर थर्टी फाइव में कहता है द शेल्स ऑफ द एग्ज इज लेदरी इन अपीजेंस तो हमारे पास जो रेप्टाइल्स होते हैं ना ठीक है इनके जो एग्ज होते हैं उनकी शेल्स जो है वो लेदरी अपीजेंस जो है वो शो करते हैं ठीक है ऑप्शन बी इज कोरेक्ट नेक्स्ट थर्टी सिक्स में कहते हैं द साइड वेयर द मोस्ट ऑफ द अपटे ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस तो मोस्टली हमारे पास वाटर और मिनरल की जो अपटेक है ना वो रूट हेयर्स के थ्रो होती है ऑप्शन ए इज़ कोरेक्ट नेक्स्ट थर्टी सेवन में कहते हैं द डिफ्यूजन ऑफ द आइन्स अलोंग विद वाटर आल्सो टेक प्लेस बाय द मैस फ्लो सिस्टम तो ये जो मैस फ्लो सिस्टम है ना ये जो है ये एपोप्लास्ट पाथवे में होता है ठीक है ऑप्शन बी इज़ कोरेक्ट थर्टी एट्थ में कहते हैं कि साइटोप्लाजमिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड टू द पोर्स इन द एडजिड सेल वॉल्स तो उससे उसे हम लोग चाहे वो प्लाज्मो कहते हैं ऑप्शन सी इज़ को नेक्स्ट थर्टी नाइन में कहता है कि एरिएटिंग ओपनिंग्स फॉर्म्ड इन द बार्क ठीक है थ्रू विच द गैस ऑफ थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस एंड वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स तो हमारे पास वो लेंटिकल जो हैं ठीक है आप लोग एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जो हमारे पास जो स्टोमेटाज होते हैं ना ठीक है वो आउटर सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है और जो हमारे पास जो लेंटिकल्स होते हैं ना वो इनर बार्क पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये दो डिफरेंस आप लोगों ने याद रखने हैं नेक्स्ट फोर्टी में कहता है कि लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल हमारे पास जो है वो लो हो जाता है ना तो हमारे पास जो स्टोमेटोज होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फोर्टी वन में कहता है कि पुलिंग अपवर्ड ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स टू वर्ड द लीव थ्रू द जाइलम टिश्यूज ठीक है इस कार्ड तो से हम लोग जो है वो ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फोर्टी टू में कहता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ड्यू टू तो हमारे पास ये जो ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं ये बेसिकली टर्गर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रहे होते हैं ठीक है उसके चेंज होने की वजह से हो रहे होता so है ठीक है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी थ्री में कहता है इट कैरीज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्राम द राइट वेंट्रिकल तो हमारे पास जो पलमेनरी आर्ट्री है ना ठीक है ये और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके जाती है ठीक है uh, कहाँ से राइट right वेंट्रिकल से लंग्स uh, की तरफ ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी फोर में कहता है कि स्नेक स्नेक वी नो कहता है कि यूजली इंटर्स द बॉडी थ्रो एन ओपन बाउंड एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रो द कहता है कि जब भी जो है वो सांप काट लेता है बंदे को तो उसका जो जहर होता है ठीक है वो हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो किसके के थ्रो जो है वो ऐड होता है तो बेसिकली हमारे लम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है वो अपने ब्लड स्ट्रीम में जो है वो ऐड हो रहा होता है ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी फाइव में कहता है कि ह्यूमन यूज़ हीमोग्लोबिन ठीक है टू कैरी द ऑक्सीजन इन देअ ब्लड कहते हैं कि सिमिलरली मुलुस्काज एंड क्रिश्चियस यूज डैश देखो ह्यूमस में हमारे पास जो है वो उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन uh, को जो है वो कैरी करता है ठीक है लेकिन हमारे पास जो मुलुस्काज और क्रिश्चियज uh, होते हैं ठीक है इनमें हमारे पास जो है वो हीमोसाइनन होता है जो कि ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करता है ठीक है सो ऑप्शन डी एज करेक्ट रेक्ट नेक्स्ट फोर्टी सिक्स में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लुइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड तो हमारे पास जो प्लाज्मा होता है ना ये फ्लूड कंपोनेंट होता है ब्लड का ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट रेक्ट नेक्स्ट हम सिक्वे नंबर फोर्टी सेवन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ब्लड ठीक है देखो ब्लड हमारे पास क्या करता है पहली बात है कि हमारे पास जो है ये न्यूट्रंट्स को और गैसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ये बात बिल्कुल ठीक है दूसरी चीज यह कि हमारे पास ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है ठीक है और तीसरी चीज है कि हमारे पास ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस लेकिन ये हमारे पास एंजाइम्स और हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता सो ऑप्शन डी जो है इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ब्लड ठीक है नेक्स्ट फोर्टी एट में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी तो हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो है वो कैपिलरी है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फोर्टी नाइन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रो द हार्ट अब ब्लड फ्लो का बताना है तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड क्या करता है कि राइट एट्रियम से जो है वो ये राइट वेंट्रिकल्स में जाता है फिर राइट वेंट्रिकल से जो है ये पलमिनरी आर्ट्री में जाता है पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो ये लंग्स में चला जाता है फिर लंग्स दोबारा वापस आता है पलमिनरी वीन के थ्रू पल्मनरी वीन के बाद ये लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ठीक है और उसके बाद जो है वो ये आयोरटा में आता है ठीक है सो ऑप्शन ए इज़ कोैक्ट नेक्स्ट एम सीक्वेंट और फिफ्टी में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल तो अब कार्डिक साइकिल के इवेंट्स का बताना है तो सबसे पहले हमारे पास कार्डिक साइकिल में क्या होता है आ, आर्ट्रियल से स्टॉल होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर से स्टॉल होता है उसके बाद हमारे पास जो है वो आइसो आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होती है ठीक है उसके बाद हमारे पास चाहे वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है ठीक है तो ये हमारे पास है वो कार्डिक साइकिल या कार्डिक हाँ कार्डिक साइकिल के जो है वो इवेंट्स हैं ठीक है सीक्वेंस में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फिफ्टी वन में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास जो है वो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट फिफ्टी टू में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चम्बर ऑफ द हार्ट पॉम्प ऑक्सीजेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ठीक है देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो कौन ऐड करता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी थ्री में कहता कि विच ब्लड वैसे कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज ठीक है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है ठीक है अवे फ्राम द हार्ट की बात कर रहा है तो हमारे पास जो है अल्ट्रीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं हार्ट से अवे फ्राम द हर्ट टू द बॉडी टिश्यूज़ ठीक है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फिफ्टी फोर में कहता है कि विच वन द फॉर्मिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसिव द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम द बॉडी देखो हम लोग उनके ऊपर बात की कि आर्ट्रीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती हैं फिर ठीक है और डी ब्लड जो है वो दोबारा वापस जो है वो किसके थ्रू आता है हार्ट की तरफ वो राइट right एट्रियम के थ्रू आता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी फाइव में कहता है कि विच ब्लड वेसल्स हैज़ द थिनेस्ट वॉल अब थिनेस्ट वाल की बात कर रहे हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड कैशेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू तुम्हारे पास जो कैपिलर uh, होती हैं इनकी वाल जो है वो सबसे ज्यादा थिन होती हैं ठीक है थिनेस्ट है? होती हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स में कहता है कि व्हाट इज द एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम तो लीटर्स में उसने जो है वो ह्यूमंस के ब्लड वॉल्यूम का पूछा तो हमारे पास ह्यूमंस में जो है वो फाइव टू सिक्स लीटर्स जो है वो ब्लड uh, का जो है वो वॉल्यूम होता है ठीक है नेक्स्ट फिफ्टी सेवन में कहता है कि इन विच ब्लड वेसल डज द एक्सचेंज ऑफ द अकर्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमारे पास जो तो है वो uh, जो कैपिलरीज होती है ना इसमें जो है वो गैश की एक्सचेंज होती है ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट टाइम नंबर फिफ्टी एट में कहता है कि वट साइट आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू तो द वायरल इन्फेक्शन तो देखो जब भी हमारे पास बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो इंटोलिकॉन्स आते हैं ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी नाइन में कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट कॉल्ड लेस देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग चाहे वो स्पेसिफिक कम्यूनिटी भी कह सकते हैं इसको हम लोग चाहे वो अडॉप्टेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं इसको हम लोग चाहे वो हिमोरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं लेकिन हम लोग इसको नॉन स्पेसिफिक कम्यूनिटी नहीं कहते ठीक है थीके? ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कम्यूनिटी होती है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट सिक्सटी में कहते हैं कि लाइजोसोम्स अब जो लाइजोसोम्स होते हैं ना ये एंटीबैक्टेरियल uh, होते हैं ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट रेक्ट सिक्सटी वन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर बैरियर आर नॉट इन सॉरी आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखो जब भी हमारे पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ठीक है या कोई इन्फ्लेटरी रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो है वो उसके लिए जो है बेसोफिल्स जो है वो आते हैं ठीक है बैसोफिल्स जो है वो आ, इसके अगेंस्ट जो है वो एक्ट करते हैं ठीक है बैरियर प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट सिक्सटी टू में कहता है कि विच टाइप ऑफ द एंटीबॉडी प्रोवाइड्स द इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन तो हमारे पास जो आई जी एम होते हैं ना ठीक है न, ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है अगेंस्ट द इन्फेक्शन नेक्स्ट सिक्सट थ्रीम में कहते हैं कि वट इज़ द टर्म फॉर द स्पेसिफिक रीजन ऑन एन एंटीजन दैट एन एंटीबॉडी बाइंड टू तो ये जो एंटीजन होते हैं ना ठीक है न, इनके ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है ठीक है जहाँ पे हमारे पास चाहे वो एंटीबॉडीज है वो जाकर अटैच करते हैं तो उस रीजन को क्या कहते हैं एपीटॉप ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट 64 में कहता है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द एंटीजन तो हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास चाहे वो एंटीबॉडीज चाहे वो रिकॉग्नाइज करती हैं ठीक है और बाइंड करती हैं एंटीजन के ऊपर तो उस प्रोसेस को हम लोग चाहे वो स्पेसिफिसिटी कहते हैं ऑप्शन डी ए करेक्ट नेक्स्ट 65 में कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में भी रिजेक्टेड ड्यू टू देखो जब भी हम लोग किसी हेल्दी बॉडी हेल्दी बॉडी से जो है वो कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट के लिए ठीक है तो वहाँ पर वो ऑर्गन या कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने ग्राफ्ट किया वो रिजेक्ट हो सकती है तो वो रिजेक्शन जो है बेसिकली वो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है ठीक है वो सेल मीडिएटेड इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स होता है ठीक है अगर रिजेक्शन शो होती है तो ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स में कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ आर हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ना ये ग्लाइको uh, प्रोटीन्स होती हैं ठीक है ग्लाइको प्रोटीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट एम नंबर सिक्सटी सेवन में कहता है कि विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज प्रीडोम प्रेजेंट इन टीयर्स ठीक है स्लाइवा मीकस और उसके बाद हमारे पास जो है वो एंड हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ब्रेस्ट मिल्क ठीक है तो वो हमारे पास जो है वो आई जी ए है ठीक है ये हमारे पास जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है एक तो ये टीयर्स में होता है ठीक है दूसरी चीज ये कि हमारे पास ये स्लाइवा में होता है म्यूकस में भी होता है और ये ब्रेस ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है ठीक है ऑप्शन डी इज़ को रेक्ट सिक्सटी एट में कहता है द क्लास ऑफ द एंटीबॉडीज़ विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा तो हमारे पास ये जो आई जी जी होता है ना ठीक है ये प्ले, प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं ईजिली ठीक है सो ऑप्शन सी इज़ को नेक्स्ट हम लोग जो है वो केमिस्ट्री पोर्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे अब इसमें हमारे पास हम सिकवी नंबर सिक्सटी नाइन में कहता है कि लिशिएटल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू तो हम लोग लिशियटल प्रिंसिपल को जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट सेवेंटीन में कहता है कि वेन एन एच फोर सी एल इज एडेड टू एन एच फोर ओ एच द डिसोसिएशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये इसी सोलूशन की बात कर रहे हैं एन एच फोर ओ एच की बात कर रहे कहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है कहते हैं कि ये क्यों रिड्यूस होगी हमारे पास बेसिकली वो कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से रिड्यूस होती है ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम नंबर सेवेंटी वन ठीक है अब इसमें आप लोगों को जो है वो उसने एक रिवर्सबल uh, रिएक्शन दिया हुआ है कहता है कि कब हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा तो देखो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज के दौरान भी जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी थी ठीक है बहुत आसान करके समझा दी थी अभी मैं फिर आप लोगों को समझाता हूँ देखो जब भी आप लोगों को रिएक्शन दिया हो ना ठीक है और तो सबसे पहले आप लोग देखो कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अब यहाँ पे देखो हमारे पास हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है प्रोडक्ट्स में हाई है ठीक है सर दिस मीन्स दैट ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है अब दूसरी चीज है कि आप लोग देखो कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्व कितने हैं और प्रोडक्ट्स में कितने हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स में देखो एक नाइट्रोजन का और तीन जो है हाइड्रोजन के तो हमारे पास टोटल कितने हो गए चार हो गए ठीक है रिएक्टेंट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं चार और ये कितने बना रहे हैं टू मोल ऑफ एन थ्री तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ टू है तो अब देखो जब भी हम लोग अब प्रेशर की सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेशर जो है वो आप लोग हमेशा ज्यान में रखो ठीक है प्रेशर जो है जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर प्रोसीड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होंगे अब देखो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कम है सो दिस मीन्स डेट जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कम है ठीक है अगर ये रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं और हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करते तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता ठीक है अब दूसरी चीज़ ये प्रेशर की बात तो हम लोगों ने कर ली अब दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी बताई थी कि एग्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा ठीक है और एंडो में क्या होगा तो जब भी हम लोग जो है वो एंडो में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड ही होगा और जब हम लोग एग्जो में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड ही प्रोसीड होगा तो अब यहाँ पे जो है वो रिएक्शन जो है वो एक्जो है और वो कह रहे हैं कि आप रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करवाए तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड ही तरफ जाएगा तो ऐसे अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ कंपेयर करो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तुम्हारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चला जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट एम सी को नंबर टू में कहता है कि फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द के ठीक है इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास जो है Uh, मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा था कि हमारे पास ये जो वैल्यू ऑफ के है ये सिर्फ और सिर्फ टम्परेचर पर डिपेंड करती है ये इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन पर और इन चीज़ों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती ठीक है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट एम सी नंबर सेवेंटी थ्री में कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ठीक है कॉन्सन्ट्रेशन को इंक्रीज करें रिएक्टेंट्स की इन अ रिवर्सबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो ऊपर हम लोगों ने यार अभी बात की है कि हमारे पास ये क्लूब जो वैल्यू ऑफ के है ना ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ठीक है इसका ये कॉन्सन्ट्रेशन और इन चीज़ों के साथ कोई रिलेशन नहीं है ठीक है सो तो हमारे पास जो है वो ये अनचेंज्ड रहेगी ठीक है अगर बेशक हम लोग कॉन्सन्ट्रेशन को इनक्रीज़ करें डिक्रीज करें उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर नेक्स्ट 74 में कहता है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड तो ह्यूमन ब्लड का हमारे पास पीएच है वो 7.35 होता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट सेवनटी फाइव में कहते हैं कि इफ़ अ बफर सोल्यूशन ऑफ द हायर पी एच देन सेवन कहते हैं कि पी एच जो है वो अगर जो है वो सेवन से ज्यादा हो तो हमारे पास क्या होगा तो वो जो पी एच सेवन से ज़्यादा होता है ना वो हमारे पास जो है वो बेसिक बफर होता है ठीक है तो बेसिक बफर जो है वो वीक uh, एसिड से मिलकर बना होता है एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉग बेस ठीक है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ये इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि एस्टिक बफर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिक बफर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है इम्पोर्टेंट है एक तो जनरल भी आपको पता हो और ऊपर से फिर आपको एग्जांपल्स भी पता हो हो सकता है कि वो आपको एग्जांपल्स से एग्जाम्पल्स दे के पूछ ले कि आप लोग बताओ कि ये एसटिक बफर कौन सा है बेसिक कौन सा है तो ये इंपॉर्टेंट है एमडिकैटस पेरेंट्स को इसको लाजमी करें क्योंकि उनके पास इस चैप्टर में से टॉपिक ही सिर्फ ये बफर uh, सोल्यूशन वाला है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे उसने बेसिक बफर की बात की बेसिक बफर का पूछा तो बेसिक बफर जो है वो ये वीक एसिड से मिलकर बना होता है एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉग बेस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट नंबर में कहता है कि इन ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्टी के सी एंड के पी है सेम वैल्यू तो के पी एंड के सी को मेजर करने के लिए आप लोग जस्ट सिंपल इक्वेशन के दोनों साइड्स पे देखोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने और प्रोडक्ट्स कितने हैं अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो रिएक्टेंट्स के मोल वन है और प्रोडक्ट्स के जो है वो टू है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास uh, ऑप्शन बी में हमारे पास चाहे वो आ, कितने हैं जी रिएक्टेंट्स के हमारे पास चाहे वो आ, फोर हैं और प्रोडक्ट्स है? तो के, है है के कितने हैं टू ऑप्शन सी में देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो थ्री हैं और प्रोडक्ट्स के कितने हैं सिर्फ एक लेकिन ऑप्शन डी को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो टू हैं और प्रोडक्ट्स के भी टू हैं तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो है वो के सी और के पी की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है ठीक है ऑप्शन डी है इसको रेक्ट नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस नंबर सेवेंटी सेवन में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अमोनिया एट द इक्विलिब्रियम ठीक है नॉट चेंज की बात कह रहा है तो हमारे पास देखो लिशरी प्रिंसिपल में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि वो प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है वॉल्यूम भी कर सकता है ठीक है और हमारे पास टेम्परेचर भी कर सकता है लेकिन कैटलिस्ट जो है वो नहीं कर सकता ठीक है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर देता है ठीक है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट सेवेंटी एट में कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन इन्वाल्विंग ओनली गैसेज कहते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेज है ठीक है ट्वेंटी फाइव रूम टेम्परेचर पर हैं दूर कॉन्स्टेंट कैन बी एक्सप्रेसड इन टर्म्स ऑफ द मोलिटी के ई आर द पार्शल प्रेशर के पी सो विच इज़ ट्रू अबाउट द नमेरिकल वैल्यू के पी तो के पी की वैल्यू कहता है कि हमारे पास नमेरिकली क्या होती है कहते हैं कि जब भी हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो ना ठीक है तो हमारे पास जो के पी की वैल्यू है ना वो वो के सी की वैल्यू की इक्वल हो जाती है ठीक है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होते हैं तो ऑप्शन डी एस करेक्ट ठीक है और ये जो ऊपर ऑप्शन लिखी हुई है तो हमारे पास ये हम लोग जनरली खुद से नहीं ले, ले लेते ठीक है वो हम लोग रिएक्टेंट्स को देख के डिटरमाइन करते हैं ठीक so, है सो ऑप्शन डी इसको करेक्ट सेवेंटी नाइन में कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एज स्टेट एज तुम्हारे पास ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है ना ये एक डायनामिक स्टेट होती है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट टाइम सीपी नंबर एटी में कहता है कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम तो उसको हम लोग जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट एटी वन में कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द कन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ तुम्हारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कन्सन्ट्रेशन होती है वो हाई होती है ठीक है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं तो हमारे पास uh, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ठीक है थीके? उनकी कन्सनट्रेशन जो है वो कम होती जाती है स्टार्टिंग में जो है वो हाई होती है और जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला होता है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है ठीक है ऑप्शन ए इज़कोरैक्ट एटी टू में कहते हैं एटलीस्ट यूज टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सेंथिसिस तो हबर प्रोसेस जो अमोनिया की प्रिपरेशन है उसमें हम लोग जो है वो आयरन के जो है वो पीसेस को यूज़ करते हैं ठीक है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ये आगे आप लोग देख लो कहते हैं कि एम्बेडेड द फाउंड मिक्सर ऑफ एम जी ओ एल टू ओ थ्री या एस आई ओ टू ठीक है ऑप्शन डी एस को रेक्ट नेक्स्ट एमसीपी नंबर एटी थ्री में कहता है टेम्परेचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस ओ थ्री एस ओ थ्री की प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो हमें फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड जो है वो टेम्परेचर जो है वो रिक्वाड होता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट एटी फोर में कहता है एज पॉजिटिव तो उसे हम लोग बेस कहते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिकली ये लोरिज uh, कॉन्सेप्ट के मुताबिक थी हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बेस होते हैं और जो इसको रिजेक्ट करते हैं या इसको जो है वो uh, वो करते हैं एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको हम लोग जो है वो एसिड कहते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली लोअर कॉन्सेप्ट के मुताबिक था ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट एम चिप नंबर एटी फाइव में कहता है कि वेन स्प्रिंगली वॉलीबल साल्ट इज इन द इक्विलिब्रियम कहता है कि विद द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन तो उसके प्रोडक्ट को जो है वो हम लोग सोलिबिलिटी uh, प्रोडक्ट कहते हैं ऑप्शन बी एस्कोर एक्ट ठीक है हम लोग ये जो स्प्रिंगली सोलिबल सॉल्ट है ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं ऑप्शन बी ए स्कोर एक्ट एटी सिक्स में कहते हैं देट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टाइल्स अबाउट तुम्हारे पास ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ना ये बताता है कि एक रिएक्शन जो है वो कितना स्लो या कितना फास्ट जो है वो प्रोसीड कर रहा है ठीक है ऑप्शन सी है स्कोर नेक्स्ट एटी सेवन में कहते हैं कि इन द रेट इक्वेशन एन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इज यूनिटी जब भी हमारे पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सनट्रेशन जो है वो वन होगी यूनिटी होगी तो उसे हम लोग जो है वो या वो किसकी इक्वल होगी तो वो स्पेसिफिक रेट कॉन्सटेंट की इक्वल हो जाएगी ठीक है के के इक्वल हो जाएगी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट रेक्ट नेक्स्ट टाइम सिक्वल नंबर एटी एट में कहते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल तो जो हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो होते हैं किसी भी रिएक्शन के वो कब इक्वल होते हैं जब हमारे पास जो है वो टू रेट्स हैव द टाइम इंटरवल इक्वल टू जीरो जब उनका टाइम इंटरवल जो है वो जीरो के इक्वल होता है हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हम सिक्वी नंबर एटी नाइन कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इको कोट अबाउट दर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है इनकोरेक्ट का पूछ रहा है तो ऑप्शन ए को देखते हैं कहता है, है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर तो देखो लास्ट में यह हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन चाहे वो हमेशा जीरो हो वन हो टू हो या थ्री हो हमारे पास वन ओवर टू की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है टू ओवर थ्री की फॉर्म में भी हो सकता है मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है सो हमारे पास ऑप्शन ए जो 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 है वो ये इनकोरेक्ट है ऑप्शन बी में कहता है कि हमारे पास डिचोमेट्रिक ऑफिशंट ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है वो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते ये बात बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी में कहता है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सम ऑफ पावर्स जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है ऑप्शन डी में कहता है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाहे वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो असेस कर सकते हैं ये बात भी इसकी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर नाइनटी में कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज द यूनिट तो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होता है ऑप्शन बी ए करेक्ट ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया था ठीक है एक शॉर्ट ट्रिक है एक छोटा सा रिलेशन है उसको आप लोग यूज़ करके इजिली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जाए यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप लोगों ने वो क्विक रिविजन सीरीज नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग जाके देख सकते हो ठीक हो गया नेक्स्ट एम सी पी नंबर नाइन्टी वन में कहता है कि वेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट तो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तो जब भी हमारे पास जो है वो जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कॉन्स्टेंट के के इक्वल होता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ को नेक्स्ट टाइम सीपन नाइनटी टू में कहता है कैटलिस्ट अल्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन तो देखो जो कैटलिस्ट होता है या जो एंजाइम भी होते हैं ठीक है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर अफेक्ट करते हैं ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी को चाहे वो रिड्यूस कर देते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट नाइन्टी थ्री में कहता है कि रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट उसने जो है वो आप लोगों को किसी रिएक्शन का जो है वो रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ठीक है कहता है कि डिटरमाइंड रिएक्शन ऑर्डर अब उसने आप लोगों को एक वैल्यू दी हुई है और वो आपसे कहता है कि आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है आप लोग इस यूनिट को कंपेयर कर लो एस माइनस वन जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है वो यूनिट होता है सो हम लोग ईजिली आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट नाइन्टी फोर में है कि फॉर गिवन रेट द यूनिट ऑफ द रेट एंड द रेट कॉन्स्टेंट आर सेम तो हमारे पास तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना इसमें हमारे पास जो तो है वो यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट है आपस में इक्वल होते हैं ठीक है ये हम लोग ऊपर पी एम सी क्यू यही वाला डिस्कस किया है वहाँ पर थोड़ी वर्डिंग डिफरेंस डिफरेंट थी नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर नाइनटी फाइव में कहता है नंबर ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वाल्व इन द सिंगल स्टेज ऑफ द रिएक्शन इंडिकेट्स तो देखो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की बात कर करें तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हम लोग मालिकुलैरिटी में करते हैं ठीक तो है तो ये मालिकुलरिटी को इंडिकेट कर रहे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट नाइनटी सिक्स में कहता है कि फॉर द यूनी मालिकुलर रिएक्शन तो हमारे पास तो यूनि मालिकुलर रिएक्शन होता है ना एक तो इसके स्टेप्स स्लोएस्ट होते हैं ठीक है और इसकी मालिकुलरिटी जो है वो मालिकुलैरिटी भी और ऑर्डर भी जो है वो वन के इक्वल होता है ठीक है मालिकुलर है ना सो दैट इज़ वाई एक तो स्लोएस्ट होता है और दूसरा हमारे पास इसमें ऑर्डर भी और मालिकुलैरिटी भी ठीक है ये वन के इक्वल होती हैं ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास 97 सेवन में कहते था ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय तो हमारे पास जो रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना तो हम लोग रेट को उसी से डिटरमाइंड करते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है नाइंटी एट कहते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कॉन्स्टेंट इज तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो रेट कॉन्स्टेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पर ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू नंबर नाइनटी नाइन कहता है कि इन सीडो यूनोमालिकुलर रिएक्शन तुम्हारे पास जो सीडो यूनोमालिकुलर रिएक्शन होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो एक रिएक्टेंट है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ रहा होता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू नंबर हंड्रेड कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट ठीक है कॉम्प्लेक्स एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ठीक है तो उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सिक्यू नंबर 101 हंड्रेड एंड कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ पार्शली मिसेबल लिक्विड्स एक्सेप्ट ठीक है तो हमारे तो पास जो तो फिनोल वाटर सिस्टम होता है ये भी पार्शली मिसेबल लिक्विड्स की एग्जांपल है ईथर एंड वाटर भी पार्शली मिसेबल लिक्विड की एग्जांपल है एंड वाटर भी हमारे पास ट्राइमिथाइल अमायन वाटर भी जो है वो पार्शली मिसेबल लिक्विड्स की एग्जांपल है लेकिन जो वाटर और बेनजी का जो सोल्यूशन होता है ना ये हमारे पास चाहे वो कम्प्लीटली इमिसेबल लिक्विड्स की एग्जाम्पल है ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट 102 में कहता है कि मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर तुम्हारे पास प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है ना वो सिक्स होती है अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि प्योर वाटर की मोलेलिटी क्या होती है ठीक है मोलेलिटी एम दूसरे एम की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वन में कहता है कि स्टार्च इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ तुम्हारे पास स्टार्च इन वाटर जो है वो ये कोलाइडल uh, सोल्यूशन की एग्जाम्पल है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 104 हंड्रेड फोर कहता है सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज जो कि हमारे पास 10 एंगस्टॉन टू 200 हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड एंगस्टॉन है हमारे तो पास जो है वो इकोलाइडल e सोल्यूशन की बात हो रही है ठीक है कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास जो पार्टिकल uh, का साइज होता है ना वो टेन एंगस्टॉन से लेकर वो टू सॉरी टू थाउजेंड तक होता है ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट एम सी नंबर 105 में कहता है कि विच वन इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन तो वर्क और एनर्जी जो है वो ये स्टेट फंक्शन नहीं होती बाकी हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी इन थाली फ्री एनर्जी ये जो है वो स्टेट फंक्शन हैं वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट वन हंड्रेड सिक्स में कहता है कि इफ़ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस दैन जीरो तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा तो जब भी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है ना वो जीरो से लेस हो तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच जो है वो अगर जीरो से ज़्यादा हो तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ठीक है नेक्स्ट वन हंड्रेड सेवन में कहते हैं कि इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज तो जब भी हम लोग इंटरनल एनर्जी जो है वो किसी सिस्टम की इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम वो भी इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम भी इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एम सीन और वन हंड्रेड एंड एट कहता है एनीथिंग एनी विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम तो उसे हम लोग जो है वो स्टेट फंक्शन कहते हैं ऑप्शन सी एज करेक्ट वन हंड्रेड नाइन में कहता है कि पंपिंग ऑफ द वाटर अप हिल्स तो हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है देखो अब हम लोग उसको हाइट पर लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई उसको हम लोग फोर्स देंगे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब वो जाएगा ठीक है खुद खुद नहीं जाएगा स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद बहुद हो, हो, हो लेकिन हाँ अगर हम लोग पानी को पहाड़ से नीचे की तरफ लेके आए तो फिर वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट वन हंड्रेड टेन में कहता है वेन एंथॉलपी रिएक्टेंट्स इज हायर देन द प्रोडक्ट तो रिएक्शन विल बी तो जब भी हमारे पास जो है वो हायर होगी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट से तुम्हारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा ऑप्शन डी इज को रेक्ट और इसी को ऑपोजिट कर ले एंडोथर्मिक के लिए हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में वो एंडोथर्मिक कब पूछ ले तो इस तरह आप लोग बहुत बहुत चीजों को अपने लिए आसान करके लिख लिया करो अपने पास ठीक है नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम सी नंबर वन हंड्रेड एंड एलेवन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैव ऑलवेज द डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव तो हमारे पास जो कम्बस्टन का प्रोसेस होता है ना उसमें जो डेल्टा एच होता है इन डेल्टा एच इन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है वो हमेशा तो जो है वो नेगेटिव होता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और बाकी हमारे पास हीट ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या डेसोलूशन विद ऑफ द दम्पाउंड हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन तो इनमें हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है ठीक है सिर्फ कंबस्टन के लिए जो है वो नेगेटिव है ऑप्शन बी ए करेक्ट एक्ट वन हंड्रेड ट्वेल्थ में कहता है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ है सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है ना वो माइनस सेवन सेवनटी सिक्स किलो जाउल है ठीक है माइनस सेवन सेवनटी सिक्स किलो जाउल नेक्स्ट हमारे पास एम सिकन और वन हंड्रेड एंड थर्टीन कहता है कि हेसेजला इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ तो हेसेसला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है वो बेस करता है ठीक है ये उसकी एप्लीकेशन है ऑप्शन बी ए करेक्ट एक्ट वन हंड्रेड एंड फोर्टीन में कहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क एंड ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है वर्क एंड बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है ये कुछ कन्वर्जन साइंस है फोर कन्वरियन साइंस है आप लोगों की बुक में मैंशन है तो आप लोगों ने इन चारों को देख लेना है ठीक है एक एम सी क्यू लाजमी आएगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरली कंसिस्ट ऑफ द कैथोड एंड एनोड हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हमारे पास एक कथोड होता है और एक एनोड होता है कहते हैं आप लोग बताओ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ठीक है तो कुछ कैथोड के बारे में आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है तो आप लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है ना ऑक्सीडेशन वो हमेशा एनोड पर होगी ठीक हो है ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी और रिडक्शन जो है हमेशा जो है वो ये कैथोड पर होती है देखो क्लास का सी होता है ना आप लोग इसको इस तरह याद कर लो सी ठीक है मतलब कैथोड पर जो है वो हमेशा रिडक्शन होगी ठीक है तो जब भी हमारे पास रिडक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑब्वियसली मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होती है रिडक्शन ही हो रही होती है ना सो ऑप्शन बी है करेक्ट ठीक है इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनटू द कैथोड ठीक है क्योंकि वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होती है नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू हम नंबर 116 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डस नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो अह इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं एक तो हमारे पास उस इलेक्ट्रोड जो मेटल यूज हुई है उसकी नेचर भी अफेक्ट करती है ठीक है डिपेंड होती है उस पर टेम्परेचर भी करता है मोलरिटी भी करती है लेकिन इलेक्ट्रोड का जो है वो साइज़ मैटर नहीं करता ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट वन सेवेंटीन में कहता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं ना उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है ना वो एनोड से लेकर ना एनोड टू कैथोड होती है होती है ठीक है ए टू सी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 118 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेल ठीक है नॉट अ सेकेंडरी सेल तो हमारे पास जो है वो निकल कैडमियम सेल जो है वो ये सेकेंडरी सेल है लेट स्टोरेज सेल भी और मर्करी सेल भी ये सारे हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेल है लेकिन जो है वो लिकलॉन्च सेल जो है ना ये प्राइमरी सेल है ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वन हंड्रीन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी सेल इज फॉल्स ठीक है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है रिगार्डिंग द प्राइमरी सेल्स तो हमारे पास ये जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ना ये आ, रिचार्ज नहीं हो सकते दोबारा से ठीक है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है ऑप्शन बी में कहता है कि दे हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो हमारे पास जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस लो नहीं होती वो हाई होती है ठीक है सो ऑप्शन बी जो है वो ये इनकोरेक्ट है या फॉल्स है रिगार्डिंग द प्राइमरी सेल्स बाकी ऑप्शन बी देख लेते हैं कहता है कि दे हैव अ रिवर्सबल केमिकल रिएक्शन ये बात बिल्कुल ठीक है इसलिए तो ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते एंड देयर इनिशियल्स कॉस्ट इज चीप ठीक है ये थोड़े चीप हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेल्स सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे इनकोरेक्ट है या फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द प्राइमरी सेल्स क्योंकि हमारे पास जो तो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास इंटरनल uh, रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 120 हंड्रेड एंड ट्वेंटी कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम्स क्यों देखो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना ये कुछ टाइम बाद जो है वो काम करना छोड़ देता है क्यों छोड़ देता है जब भी हमारे पास जो सेल uh, पोटेंशियल है ना उसका डिफरेंस जो है वो जब जीरो के इक्वल हो जाता है ना तुम्हारे तो पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरी, सीरीज सीरीज़ जो है वो ये काम करना छोड़ देती हैं स्टॉप हो जाती हैं ठीक है सो ऑप्शन बी ए करेक्ट ठीक है जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाता है सो दैट इज़ वाई वन ट्वेंटी वन में कहता है कि व्हाट इज़ द यूज्ड कहता है कि व्हाट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एक्यूरेट पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो पोटेंशियल को जो है वो कैसे जो है वो एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकते हैं By यूजिंग पोटेंशियो मीटर ठीक है पोटेंशियो मीटर को हम लोग यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो पोटेंशियल uh, होता है उसको हम लोग जो है वो एक्ोरेटली मेयर कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन डी is correct. Next नेक्स्ट है हमारे पास हम सिक नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू कहता है वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों को जो है वो उसने जो है y वो एक्स वाई और जेड की जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो है ठीक है एक्स की हमारे पास जो है वो जीरो पॉइंट थ्री फोर है ठीक है वाई की हमारे पास जो है वो जीरो पॉइंट एटी है और z की हमारे पास जो है वो माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव है ठीक है मतलब z की सबसे कम है उसके बाद हमारे पास जो है वो x की है ठीक है फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो आ, y की है तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होती है ना इसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ रिडक्शन स्ट्रेंथ के साथ सो so अब आप लोग यहाँ पर देख लो कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है ना ठीक है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो सबसे ज़्यादा होगा ठीक है अब यहाँ पे देखो z की वैल्यू सबसे कम है उसके बाद हमारे पास चाहे वो x की है और सबसे लास्ट हमारे पास y की है सो so, अगर हम लोग ऑप्शन b को देखें तो हमारे पास ऑप्शन b जो है वो करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री में कहता है कि इन द स्टैंडर्ड रिएक्शन सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द वोल्टिक सेल द डबल वर्टिकल लाइंस ये जो डबल वर्टिकल लाइन होती है ना ये साल्ट uh, ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ठीक है ऑप्शन डी है करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हम सिक्यू नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर कहते हैं कि इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल द इलेक्ट्रोड एट विच द इलेक्ट्रॉन्स इंटर द सोल्यूशन देखो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ऐसे सोल्यूशन को जो है वो हम लोग बोलते हैं कि ये कैथोड है ठीक है नॉट एनोड और कैथोड पर कहते हैं कि द केमिकल चेंजेस दैट अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होते थे उस पर हमेशा हमारे पास जो है वो रिडक्शन होती है मैंने आपसे पहले कहा था सी आर से इसको याद करो ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हम लोग जो है वो फिजिक्स पोर्शन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें हमारे पास एम नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव आता है कहते हैं कि मैंने द बॉडी मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी हमारे पास कोई बॉडी जो है वो टर्मिनल विलासिटी के साथ मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीिक्वीन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ठीक है कहते द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूड इज ऑलवेज तो हमारे पास ये जो आइडियल फ्लूड होता है ना ये हमेशा जो है वो स्ट्रीम लाइन में जो है वो फ्लो करता है स्ट्रीम लाइन क्या होता है जिसमें ट्रिबुलेंस बहुत कम हो ठीक है मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो है वो फ्लो करता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास सेमसिक्वीन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन कहतेवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन बाय अपलाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ पे जो है वो बेस करती है ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट 128 में कहते हैं कि टू फॉक ड्रॉपलेट्स कहते हैं कि हैव द रेडियस अब उसने रेडियस दिया हुआ विच इज 2.3 पॉइंट थ्री सॉरी टू रेशो थ्री कहते हैं कि देर टर्मिनल विलॉस आर तो देखो उसने रेडियस दिया हुआ है टू रेशो थ्री और उसने आप लोगों से पूछा हुआ है uh, टर्मिनल विलासटीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो टर्मिनल विलसटीज का जो है वो रेडियस के स्केल के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का जो है वो ले लेंगे जो कि हमारे पास बन जाएगा फोर रेशो नाइन विच इज योर ऑप्शन डी सॉरी बी नेक्स्ट है हमारे पास एम सीक्वी नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन कहता है द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज तो हमारे पास ह्यूमन ब्लड और वाटर की जो डेंसिटी है ना वो नियरली इक्वल टू होती है ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सीक्यू नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो स्पेगमाोनोमीटर को जो है वो यूज़ करते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास वन थर्टी वन इन सिंपल हारमोनिक मोशन द विलासटी ऑफ द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम एट तो हमारे पास जो सिंपल हारमोनिक मोशन होती है इसमें हमारे पास जो है वो मीन पोजिशन पर जो है वो विलासटी जो है वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजिशन पर जो है वो उसकी विलासटी जो है वो जीरो होती है ठीक है इसीलिए वहाँ पर जाकर वो वो मोशन जो है वो रुक जाती है और दोबारा पीछे फ्लो होती है ठीक है फिर जब वो बिल्कुल अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है ना मतलब इस पोजीशन पे तो यहाँ पर फिर उसकी मैक्सिमम होती है तो फिर वही जो है वो उसको इस तरफ इस तरफ लेके जाती है ठीक है सो दैट इज वाई नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 132। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एक्स्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो हमारे पास ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना इसको हम लोग आप लोगों को पता होगा कि हम लोग लिखते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केर ऑफ एम्पलीटूड ठीक है ए uh, का स्केर सो ऑप्शन डी इज को रेक्ट ठीक है एम्पलीट्यूड के स्केयर के जो है वो साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू सिक्वी नंबर 133 हंड्रेड एंड कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इज अ टाइप ऑफ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की जो है वो टाइप है या एग्जांपल है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट 134 में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू तो फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वन के इक्वल होता है ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट 135 थर्टी फाइव में कहता है विच वन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस तो हमारे पास तो टीवी है रेडियो है माइक्रोवेव है ये रेजोनेंस की जो है वो एप्लीकेशन हैं लेकिन बल्ब जो है वो रेजोनेंस की एप्लीकेशन नहीं है ठीक है सो ऑप्शन डी इज कोेक्ट एम सिक्स वन हंड्रेड एंड ठीक है इसमें कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉब ऑफ द सिंपल पेंडोलम इन वन वाइब्रेशन अब वन वाइब्रेशन की बात कर रहा है ठीक है वन वाइब्रेशन देखो अब हम लोग जो है वो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ये एक स्ट्रिंग uh, है ठीक है जिसके साथ चाहे वो बॉब जो है वो अटैच्ड है फॉर एग्जाम्पल अभी वो इस पोजीशन पर है। यहाँ पर ला के हम लोग लो इसे छोड़ते हैं पहले ये अपनी मेन पोजीशन पे आएगा ठीक है यहाँ पे फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन में ठीक है अगर हम लोग इस पोजीशन को है वो ए का नाम दें इसको बी का नाम दें और इसको सी का नाम दे दें ठीक है तो देखो फ जब हमारे पास है वो इस ये बॉब जो है वो मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी यहाँ से यहाँ तो ये एक हो गया फिर बी से सी मूव हुआ तो ये हमारे पास दो हो गया फिर जब ये दोबारा सी से बी की तरफ आया ये तीन हो गया तो जब ये दोबारा बी से जो है वो ए की तरफ आएगा तो ये फोर हो जाएगा तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये फोर मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड की इक्वल होगी ठीक है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास 137 थर्टी सेवन कहता है कि फॉर अ सिंपल पेंडोलम द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ कॉज बाय तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से होती है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट रेक्ट वन थर्टी एट में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज कहते हैं कि विद द विद द नेचर ऑफ मीडियम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो लाइट का जो है वो लाइट का जो मीडियम है, है उसकी नेचर को चेंज करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऐसी ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होगा तो जब हम लोग जो है वो मीडियम को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है ठीक है वेवलेंथ भी चेंज होती है एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ठीक है सो ऑप्शन डी ए इज़ करेक्ट रेक्ट फ्रीकुनसी री कॉन्स्टेंट नेक्स्ट है हमारे पास हम नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन कहते हैं कि लाइट रीचेज द अर्थ फ्रॉम सन इज़ नियरली तो हमारे पास जो है वो लाइट जो है वो सन से अर्थ की तरफ आती है वो कितने मिनट्स में आती है एट मिनट्स एंड थर्टी सेकेंड्स में ऑप्शन डी इज इसकोरेक्ट ठीक हो गया नेक्स्ट वन फोर्टी में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ तो आइंस्टाइन ने यह कहा था कि हमारे पास लाइट जो है ना वो ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ किस फॉर्म में फोटॉन्स की फॉर्म में ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन कहते हैं सेम फेज ऑफ द वाइब्रेशन तो हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है ना उसमें जो है वो फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है ना वो सेम ही होता है ठीक है तो उस पॉइंट को जो है वो हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू कहते हैं कि वन द क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल ओवर द ट्रफ ऑफ द अदर वेव दिस फिनना इज कॉल्ड तो इस फिनमना को हम लोग जो uh, है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वो इसलिए कि देखो हमारे पास एक क्रस्ट जो है ना वो दूसरे के ट्रफ़ पे लाए कर रहा है ठीक है तो इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव है अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे लाया था तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव होती ठीक है या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे लाया करता तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव होती लेकिन देखो एक क्रस्ट एक ट्रफ है सो देट दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास 143. फोर्टी थ्री है वो डिटरमाइंड कर सकते हैं ऑप्शन बी इज कोरेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास 144. फोर्टी फोर द अपियरेंस ऑफ कलर इन थिन फिल्म फिल्म पर हमारे पास जो कलर अपियर होते हैं ना ठीक है वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट 145 में कहते हैं ब्लू कलर ऑफ द इज़ ड्यू टू स्काई का ब्लू कलर जो है ना वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट 146 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज हम लोग जो है ना वो रेडियो वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं अल्ट्रावाइलेंट रेज को भी पोलराइज कर सकते हैं एक्स रेज को भी पोलराइज कर सकते हैं लेकिन साउंड वेव्स को जो है पोलराइज नहीं कर सकते ठीक है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट टाइम हमारे पास एंड सीक्वे नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन कहते है कि आई थिंक दैट इमिट्स इट्स ओन लाइट तो ऐसी थिंग ऐसी चीज जो अपनी लाइट खुद इमिट करती है तो उसे हम लोग जो है वो ल्यूमिनस कहते हैं ऑप्शन ए इज कोरेक्ट नेक्स्ट वन फोर्टी एट में कहते हैं कि विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ साउंड तो हमारे पास जो है वो डाइफ्रेक्शन का जो है वो ऐसा प्रोसेस जो कि यह शो करता है कि हमारे पास जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है साउंड की वेव से ठीक है ऑप्शन ए इज नेक्स्ट है हमारे पास हम सिक्वी नंबर 149 कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफर्स एंड लॉन्गूडल वेव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ तो हम लोग जो है ना ट्रांसफर्स वेव को और लॉन्गिटूडनल वेव्स को जो है ना वो पोलराइजेशन की बेस पे जो है वो डिफरेंशिएट इनमें में कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 150 कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन न्यूटन के मुताबिक साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ तो वो आइसो बैरक कंडीशन के अंदर जो है वो साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती है एयर में आइसो बैरक में हमारे पास जो है ना वो प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट रेड वन फिफ्टी वन में कहते हैं कि साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम बिकॉज साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता क्यों नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो है वो उसके लिए जो है वो मीडियम जो है वो चाहिए होता है फॉर इट्स प्रोपोगेशन ठीक है क्योंकि हमारे पास साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स जो है वो, वो उनके लिए मीडियम लाजमी रिक्वायर होता है ठीक so, है फॉर्दर प्रोपोगेशन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास 152 फिफ्टी टू इंक्रीज द विलासिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर वन डिग्री राइस इन टेम्परेचर तो हमारे पास जब भी हम हाँ लोग जो है वो वन uh, डिग्री जो है वो टेम्परेचर को राइस करते हैं तो हमारे पास जो है वो विलासिटी ऑफ साउंड जो है वो कितना इंक्रीज होता है जीरो पॉइंट सिक्स वन ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकंड के लिहाज से जो है वो चेंज होता है अगर इसलिए वो आपसे पूछे कि फाइव डिग्री अगर हम लोग जो है वो इसको इंक्रीज कर लें तो आप लोग सिंपल जीरो पॉइंट सिक्स वन को मल्टीप्लाई कर लोगे फाइव के साथ ठीक है तो इस तरह से लाजमी नहीं है कि आप लोगों को हर मरतबो वन का ही पूछे ठीक है फाइव का पूछ सकता है टेन का पूछ सकता है तो आप लोगों ने फिर उसके मुताबिक आंसर देना है ठीक so, है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सीक्व नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री कहते हैं द विलोटिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन तुम्हारे पास साउंड की विलसिटी जो है वो कॉपर में जो है वो ग्रेटेस्ट होती है क्यों क्योंकि ये सॉलिड है ठीक है वाटर जो है वो ये तो लिक्विड है एयर तो गैस है और हमारे पास अमोनिया भी जो है वो ये गैस uh, ही है ठीक है so, सो हमारे पास जो है वो सोलिड में जो है वो साउंड ज़्यादा ट्रैवल करता है सो so, इसकी विलासटी जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास इसमें कॉन्स्टुट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं सो दैट इज़ वाई तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो विलासटी होती है साउंड की वो सॉलिड्स में होती है उसके बाद हमारे पास जो है वो लिक्विड्स में होती है और सबसे कम जो है वो गैसेस में होती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्यू नंबर 154 हंड्रेड एंड कहता है कि वेव्स डेट मटेरियल मीडियम फॉर दर प्रोपोगेशन तो ऐसी वेव्स को हम लोग जो है मकैनिकल वेवस कहते हैं ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव कहता है कि वेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज ठीक है जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो विलासिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव तो वो चेंज नहीं होती ठीक है वो सेम ही रहेगी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन फिफ्टी सिक्स में कहते हैं कि इन वाइब्रेटिंग कॉल्ड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम तो हमारे पास जो एंटी uh, नोड्स होते हैं ना वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास वन फिफ्टी सेवन डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्कटिव टू कंजर्कटिव नोड्स तो हमारे पास दो कन्जिव नोड्स के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस होता है ओवर टू ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आप लोग मुझे बताओ कि टू कंजटिव एंटी नोड्स के दरमियान हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है और टू कन्जेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है कमेंट्स में जरा बताओ अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम सीफ यू आ ही गया है कहते हैं कि वन फिफ्टी एट में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कन्जेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स ठीक है अब नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान कौन कितना डिस्टेंस होता है ओवर फोर ठीक है देखो ऊपर हम लोगों ने क्या बात की थी हमने यही कहा था ना कि हमारे पास दो कन्जेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेमडावर टू बीफिल होता है और दो कॉजक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान क्या डिस्टेंस होता है लेमडा ओवर फोर तो आप लोग मुझे बताओ कि दो कॉन्जेक्टिव एंटी नोड्स के दरम्या डिस्टेंस कितना होगा क्या वो भी लेमडा ओवर टू ही होगा ये मुझे ज़रा कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट है हमारे पास एम सी टी नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन कहता है कि दिआर्टिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस तो मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान जो पेट्रिक अल्टरनेशन होती है साउंड की ना तो उसे हम लोग जो है वो बीट्स कहते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सीक्यू नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज इक्वल टू तो हमारे पास एक साइड के सेकंड में जो है वो कितनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ट्यूनिंग फोर्क ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट वन सिक्सटी वन में कहते हैं कि साइलेंस जोन टेक प्लेस इन तो हमारे पास जब भी जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना तो साइलेंस जोन जो है वो प्रोड्यूस होता है ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सी बी नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू कहते हैं डॉप्टर अफेट अपलाइज टू तो डॉक्टर इफेक्ट को हम लोग जो है वो साउंड वेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और लाइट वेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट वन सिक्सटी थ्री में कहता है कि विच वन ऑफ द फार्मिंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज ऑफ द ओपन एंड क्लोज पाइप तो हमारे पास जो जो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है ना वो हाफ होती है टू द फंडामेंटल फ्रीकुनसी ऑफ द Uh, कौन सा पाइप क्लोज पाइप ठीक है आप लोग रिलेशन ए को देख सकते हो कि क्लोज़ फ्रिकवेंसी सॉरी क्लोज़ पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो टू एफ है और ओपन वाली की जो है वो वन एफ है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट वन सिक्सटी फोर में कहता है कि न्यूटन इस्टीमेटेड द स्पीड ऑफ साउंड तो न्यूटन ने जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जब कैलिकलेट की थी तो वो टू एटी वन मीटर पर सेकेंड बनी थी ठीक है जिसमें सिक्सटी परसेंट एरर था फिर लेप लॉस ने जो है वो इसकी करेक्शन करके सिक्सटीन परसेंट जो एरर था इसको रिमूव किया था तो हमारे पास ये कितनी फिर बन गई थी तो वो जो है वो थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड थी ठीक है एरर सिक्सटीन परसेंट एरर को निकाल के नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव कहते हैं कि लेप लॉस फाउंड अल्टरनेट कंप्रेशन एंड प्रोड्यूस्ड इन द साउंड वेव्स फॉलो तो वो लेप्ट लॉस ने यह कहा था कि वो एडियोबैटिक uh, लॉ को जो है वो फॉलो करती हैं Uh, जबकि न्यूटन ने ये कहा था कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस को जो है वो उसकी कंडीशन को फॉलो करती हैं लेकिन उसमें फिर पर सिक्सटीन परसेंट एरर था लेप ने जब ये कहा कि ये एडियोबैटिक लॉ को फॉलो करती है तो फिर उसके बाद वो सिक्सटीन परसेंट एरर जो है वो उसने खत्म कर दिया था ठीक है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट वन में कहते हैं कि विच फिनला कैन बी अप्लाइड टू इस्टीमेट द विलासी ऑफ द स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो हम लोग स्टार की विलसिटी को जो है वो इस्टीमेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बाई यूजिंग द टॉप डॉपलर इफेक्ट ऑप्शन क्ट वन सिक्सटी सेवन में कहते हैं तो वैक्यूम में हमारे पास जो साउंड वेव की विसिटी होती है वो जीरो होती है क्योंकि हमारे पास जो है ना वहाँ पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता सो दैट इज वाइट ठीक है ऑप्शन डी इज को रेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एम सिक्यू नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्स कहता है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेड्रोलम डिपेंड्स अपॉन तो हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ सिम्पल पेडोलम है वो किसूलर टी इज इक्वल टू टू बाई अंड रूट ऑफ एल बाई जी अब ये टू पाई भी कॉन्सेंट है जी भी कॉन्सेंट है सिर्फ और सिर्फ एल ही बचता है सो so, हमारे पास टी का जो है वो इसका लेंथ के इसके रूट के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है ठीक so, है सो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चाहे वो लेंथ पर डिपेंड करती है सो ऑप्शन बी एज को रेक्ट नेक्स्ट हमारे पास हम सीखूँ नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन द फॉरन हाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्रीज टू तो हमारे पास जो फोटी डिग्री है ना तो इस पर फोन हाइट स्केल और uh, जो सेंटीग्रेड स्केल है वापस में को इनसाइड करते हैं ठीक है थीके? इनकी वैल्यू सेम हो जाती हैं सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सी नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी कहता है कि टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस तो टेम्परेचर जो है हमें बताती है कि हीट ने किस डायरेक्शन में मूव करना है तो ये आपको पता होगा कि हीट से हमेशा हॉट बॉडी से जो है ना वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है ठीक so, है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास वन सेवेंटी वन कहता है कि विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडियोबैटिक प्रोसेस एडियोबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें जो है वो इन विच नो हीट ट्रांसफर्स टेक प्लेस ठीक है तो अब हमारे पास जो है इसमें रैपिड स्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द बर्न टायर ये भी जो है वो आइडियोबैटिक प्रोसेस की जो है वो एग्जांपल है ठीक है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर ये भी उसी की एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इन द रेफ्रिजरेटर तो ये हमारे पास आइसोथर्मल की एग्जांपल है ठीक है आइसो में हमारे पास क्या होता है इसमें हीट जो है वो आ, वो सेम रहती है ठीक है सिस्टम की और क्लाउड फॉर्मेशन जो है ये भी आइडियोबैटिक प्रोसेस की जो है वो एग्जाम्पल है सो ऑप्शन सी है करेक्ट नेक्स्ट वन सेवन टू में कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ हेल्ड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को कॉन्सटेंट रखा जाए एंड वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर तो हमारे पास जो है ना वो प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा देखो हमारे पास ये चार्ल्स लाख के मुताबिक है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को जो है वो कॉन्सटेंट रखें तो हमारे पास जो है वॉल्यूम का जो है प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ठीक है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सी नंबर वन हंड्रेड एंड सेवनी थ्री कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो हमारे पास वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है टू सेवन थ्री पॉइंट सिक्सटीन डिग्री एट जीरो पॉइंट सिक्स वन वन के पी ए ठीक है ऑप्शन सी एज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर कहते हैं कि इन विच प्रोसेस द एंट्रोपी रिमेन कॉन्सटेंट तो हमारे पास आडियोबैटिक प्रोसेस में जो है वो एंट्रोपी uh, जो है वो कॉन्सटेंट होती है ऑप्शन सी एज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास वन सेवेंटी फाइव कहते हैं कि वर्कड इन द आइसोबैरिक प्रोसेस इज तो ये जो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होता है ना इसमें वॉल्यूम जो है वो कॉन्सटेंट होता है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो पी डेल्टा वी के इक्वल होता है ठीक है अगर डेल्टा वी को हम लोग जो है वो जीरो लिख लेंगे तो हमारे पास पी भी जो है वो जीरो हो, हो जाएगा सो सोवेल हमारे पास वर्क डन भी जो है वो ये ज़ीरो ही हो जाएगा ठीक है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट द वर्क डन इन द आइसोबैरिक प्रोसेस जो है वो जीरो के इक्वल होता है नेक्स्ट no. है हमारे पास हम सिगमू नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स कहते हैं इन विच प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इन टू वर्क डन तो हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना इसमें हम लोग जितनी भी हीट सिस्टम को देते हैं तो वो सारी वर्क डन में है, जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ठीक है क्योंकि इसमें हमारे पास हीट जो है वो कॉन्सटेंट रहती है ठीक है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हमसिगू नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन वट इज दूनिट ऑफ एंट्रोपी तो एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है पर कैलवन ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट वन सेवनटी एट में कहता है कि हीट ट्रांसफर बाय कन्वेंशन तो देखो हमारे पास कंडक्शन uh, के थ्रू ना सिर्फ और सिर्फ सोलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है ठीक है और कन्वेंशन जो है इसके थ्रू हमारे पास है वो लिक्विड और गैसेज में होती है ठीक है और रेडिएशन के थ्रू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैसेज में ही होती है ठीक है रेडिएशन सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी एज करेक्ट लेकिन आप लोगों से वो कंडक्शन का भी पूछ सकता है रेडिएशन का भी पूछ सकता है तो आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को जहन में रखना है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन कहता है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम एट तुम्हारे पास जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो मैक्सिमम होता है ठीक है ऑप्शन सी एज कोरेक्ट क्योंकि हीट कॉन्स्टेंट होती है तो जितना भी हम लोग जो है वो उसको हीट दे रहे होते हैं वो सारा वर्क डन में ही कन्वर्ट हो रहा होता है ऑप्शन सी इज को नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन हंड्रेड एंड एटी कहते हैं कि साइकिल टायर इज बस्ट सडनली एंड एयर स्केप आउट फ्रॉम इट तो ये हमारे पास जो है ना ये आइसोबैरिक प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट हम लोग जो है वो इंग्लिश पोर्शन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है अब इसमें हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन एटी वन में कहते हैं कि आई एम टायर्ड आई डैश टू बेड नाउ तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो है वो उसने प्रेजेंट टेंस यूज किया तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे आई एम गोइंग ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट ऑनिट रू में कहते हैं द अर्थ डैश अराउंड द सन अब ये कंटिन्यूटी कुछ हो गया रहा है ना अर्थ हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली uh, जो है वो सन uh, के अराउंड जो है वो रिवॉल्व uh, कर रही होती है ठीक है तो फिर इसलिए हम लोग जो है वो यहां पे गोज यूज करेंगे ठीक है ऑप्शन सी एस को एक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम हम सी क्यू नंबर वन एटी थ्री कहता है कि टू ईयर्स अगो माई फैमिली डैश लेव इन यू एस वी एलेवन मॉस्को नाउ अब देखो टू ईयर्स अगो मतलब ये किसकी बात कर करें ये पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहा है ठीक है तो फिर इसलिए हम लोग जो है वो लाइफ जो है वो लेफ्ट जो है वो, वो यूज करेंगे ऑप्शन सी एस को रेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर वन एटी फोर कहता है कि वन पीटर केम टू क्लास केम इन टू द क्लास अब ये केम यूज हुआ है ठीक है आप लोगों ने इसको जहन में रखना है हिस क्लासमेट्स डैश तो यहाँ पे देखो केम जो है वो ये पास कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है तो फिर इसलिए हम लोग जो है वो वर्ड टेकिंग का टेस्ट जो है वो यूज करेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है मेरे पास एम सी नंबर वन एटी फाइव कहते हैं कि इन ट्वेंटी ईयर्स रोबोट्स डैश फॉर अस अब देखो ये फ्यूचर की बात कर रहा है रोबोट्स की ठीक है ट्वेंटी ईयर्स बाद की बात कर रहा है ठीक है तो फिर इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे विल वर्क ठीक है रोबोट्स विल वर्क फॉर अस ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हम सी नंबर वन एटी सिक्स कहता है कि बाई द टाइम यू स्लीप आई डैश माई वर्क अब देखो यहाँ पे जो है वो उसने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया फिर इसके लिए हम लोग जो है वो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड ठीक है ऑप्शन बी एज को नेक्स्ट वन एटी सेवन की बात करते हैं कहता है कि टुमारो एट नाइन ए एम यू डैश पियानो लाइसेंस तो अब देखो यहाँ पे जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे विल बी हैविंग ठीक है यू विल बी हैविंग पियानो लैसेंस ऑप्शन डी एज को नेक्स्ट है हमारे पास हम सीख नंबर वन एटी एट कहता है कि येस्टरडे आई डैश अ फैंटेस्टिक फिल्म अब ये सिंपल पास्ट टेंस है ठीक है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे ठीक है आई वॉस्ट अ फैंटेस्टिक फिल्म ऑप्शन डी इज़ कोेक्ट नेक्स्ट हमारे पास वन एटी नाइन कहते हैं कि येस्टरडे एट फाइव ओ क्लॉक आई डैश अब यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो यूज हुई है ठीक है तो इसलिए फिर हम लोग यूज करेंगे आई वाज वॉचिंग अ फिल्म ऑप्शन ए इज़ कोेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 190 नाइन्टी कहता है कि आई डैश टेनिस एवरी वीकेंड अब ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो आई प्ले यूज़ करेंगे ठीक है सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 191 कहता है कि आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर इट डैश टू द टेम्पल टाईकॉन्स ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुए तो इसलिए फिर हम लोग यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन सोल्ड टू द टेंपल टाईकॉन ठीक है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम सिक्यू नंबर वन नाइनटी टू कहता है कि ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रिलीजन अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन है वो कंटिन्यूस है ठीक है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो यूज करेंगे ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट वर्किंग नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम सिक्यू नंबर वन नाइन्टी थ्री कहता है कि आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून अब ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर हम लोग जो है वो हैव मेड को यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है आई हैव मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हम सीख नंबर वन नाइनटी फोर कहते हैं कि वाई डैश यू ब्रेक यूर प्रोमिस अब ये हमारे पास जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो डिड यूज करेंगे ठीक you है वाई डिड यू ब्रेक यूर प्रोमिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास हम सीख्यू नंबर वन नाइनटी फाइव कहते कि चार्ल्स डैश इज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश अब यहाँ पे हमारे पास चाहे वो दो टेंस यूज हुए हैं ठीक है एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और एक हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो चार्ल्स इज हेल्पिंग ठीक है क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यूस में आ रहा है ना वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इसलिए पर हम लोग जो है वो इज हेल्पिंग यूज करेंगे हिज़ फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल अब यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे ठीक है स्कूल स्टार्ट ठीक है एज फार्म वाला ऑप्शन ए इज़ नेक्स्ट हमारे पास हम सिक्यू नंबर वन नाइनटी सिक्स कहते हैं कि माई फादर डैश न्यूज़ पेपर आफ्टर गेटिंग अप ये हमारे पास है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसलिए हम लोग जो है, you know है वो रीड्स यूज करेंगे ऑप्शन डी ठीक है एस वाला नेक्स्ट है हमारे पास हम सिक्यू नंबर वन नाइनटी सेवन कहते हैं कि डू यू नो आई डैश आस्क्ड बाय देम टू बी होनेस्ट ठीक है अभी हमारे पास है वो प्रेजेंट टेंस है ठीक है तो इसलिए फिर हम लोग आई के साथ चाहे वो एम यूज करेंगे ठीक है आई एम आस्क्ड बाय देम टू बी होनेस्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास एम सिक्यू नंबर वन नाइन एट कहता है कि लुक अ हेमस्टर डैश बाय अ कैट अब ये हमारे पास चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ठीक तो है, है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो इज बीइंग चेज्ड यूज करेंगे ऑप्शन सी एज को रेक्ट ठीक है अ हेमस्टर इज बीइंग चेज्ड बाय अ कैट नेक्स्ट हमारे पास एम सिक्यू नंबर वन नाइनटी नाइन कहता है कि वेट फॉर अस एट द होम अंटिल डैश फ्रॉम द ऑफिस अब ये हमारे पास चाहे वो फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो रिटर्न को जो है वो यूज करेंगे ठीक है सिंपल सिंपल टेंस है ऑप्शन डी इज को रेक्ट लास्ट टाइम से किया कहते हैं कि पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए हम लोग जो है वो आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन जो है वो ऑप्शन डी यूज़ करेंगे ठीक है पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन ऑप्शन डी इज़ कोेक्ट तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर टू उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और हमेशा की तरह लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने इस टेस्ट में कोई भी मिस्टेक की है ठीक है तो आप लोग कोशिश करो कि उसको दोबारा रिपीट कभी भी ना करो ठीक है यही जो है वो प्रैक्टिस का जो है मकसद होता है कि आप लोग जो गलतियाँ करते हो ताकि उनको दोबारा दोहराओ नहीं और उन्हीं गलतियों से सीखो ठीक है देखो जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें गलतियाँ हर बंदा करता है एक टॉपर भी करता है एक मिडयाकर भी करता है और एक लोअर एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो भी करता है लेकिन एट द एंड टॉपर वही होता है जो अपनी गलतियों को सीखता है और उनको दोबारा दोहराता नहीं है ठीक है अब देखो अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस इस टेस्ट में किसी स्टूडेंट के वन ट्वेंटी मार्क्स हैं मतलब उसने 80 अस्सी गलतियाँ की हैं तो इस टेस्ट को वो जब दोबारा से देखेगा अपनी गलतियों को वो करेगा तो इसका मतलब है कि उसने अपनी अस्सी गलतियाँ सुधार दी हैं तो इस तरह करते करते हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करवाएंगे इन आप लोगों से तो आप लोगों की जो है वो ये एक हज़ार प्लस गलतियाँ आप लोग यहीं से सुधार लोगे